अब हम अनुपात का दूसरा चैप्टर को हम करने के लिए जा रहे हैं। प्रश्न है 35 लीटर मिश्रण में, मिश्रण करने का अर्थ है हम दूध खरीदते हैं तो दूध में पानी भी मिला के दे देता है और दूध भी रहता है। तो कह रहा है 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा 4:1 है। तो अब इस पर तीन ढंग के प्रश्न बनेंगे। 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा कितना है? 4:1। तो दूध और पानी की मात्रा जैसे हम पूर्व में सवाल बनाए वैसे ही बनाएंगे एक नंबर का सवाल। देखते हैं सबसे पहले तो 4 जोड़ 1 हो जाएगा मेरा, ये हो गया 5। ये 4 इंडिकेट कर रहा है किसको? दूध को। और 1 इंडिकेट कर रहा है पानी को। तो दूध की मात्रा मेरा क्या हो जाएगा? दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा जो हो जाएगी वो 4/5 और गुणा मेरा क्या हो जाएगा? 35। ये 4 कुल योग मेरा 5 हो गया, 35 5×7=35। ये 28 लीटर मेरा क्या हो गया? दूध। फिर अब पानी की मात्रा, पानी की मात्रा मेरा 1 है, तो यहाँ 1/5 गुना फिर 35 5×7=35, तो ये 7 लीटर। इस दोनों को जोड़ने पर हमको 35 लीटर प्राप्त हो जाता है। फिर दूसरा सवाल कर रहा है 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए इसी मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए। कहने का अर्थ मेरा दूध पहले कितना है? 28 लीटर, और इसमें क्या किया? 7 लीटर पानी, 7 लीटर पानी हमको पहले से है और 7 लीटर और मिला दिया गया। ये हो गया 28/14, 14×2=28, 2/1, तो ये हो गया 2:1। तो 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात मेरा क्या निकल गया? 2:1। अब तीसरा सवाल है कि इस मिश्रण में और कितना पानी मिला दिया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए? इस मिश्रण में और कितना पानी मिला दिया जाए? मान लेते हैं कि x लीटर पानी मिला दिया जाए। तो हमारा अनुपात पहले क्या था? 28/ इस मिश्रण में और कितना पानी? पानी हमको 7 लीटर है, इसमें जब x हम मिलाए तो ये हमको हो गया कितना? अनुपात 2:1। इसी को हमको हल कर लेना है। अब इसको हम हल करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 7 जोड़ x, 2 से गुना हो गया बराबर 28। ये 2×7 जोड़ 2x = 28, 2x या 14 जोड़ 2x = 28, ये 2x = हो जाएगा 28 − 14, फिर 2x = हो जाएगा 14, x = हो जाएगा 14/2=7। 7 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो मेरा अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपयों के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। प्रत्येक थैले में कुल धन, यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया हो तो प्रत्येक नोटों की संख्या क्या है? इस तरह के मात्र 2 ही प्रश्न होते हैं, एक ये प्रश्न है और एक ये प्रश्न है। इसी में यहाँ रुपया दिया गया है और यहाँ पैसा दिया गया है। दोनों का को हम देखते हैं कि किस तरीका से बनाया जाता है। पहले एक थैला में क्या है? 20 रुपया का है, 10 रुपया का है और 5 रुपया के नोटों का अनुपात ये है। यदि थैले में कुल धन यहाँ 1000 रुपया का रहा है, इस सवाल में है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। यहाँ सिक्का का प्रश्न अलग हो जाएगा और यहाँ रुपया का प्रश्न अलग हो जाएगा। बनाने का मेथड एक ही है, सिर्फ इसमें हम रुपया की चर्चा करेंगे और इसमें हम पैसा की। अब एक नंबर के प्रॉब्लम को देख रहे हैं। यहाँ है मेरा 20 रुपया, फिर क्या है 10 रुपया और फिर क्या है मेरा 5 रुपया। इसका अनुपात है 3:4:5। इसको हम गुणा कर लेते हैं,
और फिर इसको हम जोड़ लेते हैं, ये हो गया 60, 40, 100, 125। अब हमको जब ये निकालना है, तीन माने क्या, तीन माने 20 रुपये का अनुपात ये है, 10 रुपये का अनुपात मेरा 4 है और 5 रुपये का अनुपात मेरा 5 है। तो जब 20 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो ये 3/125 अब गुना मेरा हो जाएगा 1000, और 1000 मेरा 8 मरतबे कट जाता है, 25 चौके 125 2 9 250, तो ये 8 मरतबे कट जाएगा, मेरा सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी 24। फिर ये 4/125 × 1000 और फिर ये 8 मरतबे कट जाएगा, 8 चौके 32। फिर मेरा ये 5/125 × 1000 ये 8 मरतबे कट जाएगा, 8 × 5 = 40। इस ढंग से हम देखते हैं कि मेरा 20 रुपये की सिक्कों की संख्या हमको कितनी हो जाएगी 24, 10 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 32 और 5 रुपये की सिक्कों की संख्या मेरा हो जाएगा 40। अगर ये रुपया में दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इसको गुणा कर लिए, अगर यही पैसा में होगा तो इसको हम पहले रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे तब यही प्रक्रिया करेंगे। फिर हम ये सवाल देख रहे हैं, यहां कह रहा है 50 पैसा, पहला है 50 पैसा, फिर दूसरा है मेरा 25 पैसा और तीसरा है मेरा 10 पैसा। इस सभी पैसा को हम रुपया में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 0.50 रुपया, ये हो जाएगा 0.25 रुपया और ये हो जाएगा 0.10 रुपया। फिर ये हम अनुपात लिख लेंगे 2:3:5, फिर इसको हम गुणा कर देंगे, ये मेरा 1 हो जाएगा, ये 0.75 हो जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा। फिर इसको हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये हमको होगा 2.25, 5, 7, 5, 12, 2, 1, 1, 2, ये हो गया। अब हम प्रत्येक भाग का निकालेंगे, फिर ये 2 कहने का मेरा है क्या 50 पैसा, ये 3 है 25 पैसा और ये 10 है 5 पैसा। तो फिर हमको आना है किस पर, इस 2 पर, तो हो जाएगा 2/2.25 अब गुना मेरा फिर कितना से हो जाएगा 90, इसको हटा दिए 00, अब ये हो गया 25 चौका 100, 25 28 200, 25 9 मरतबे कट जाएगा और ये मेरा कट जाएगा 25 चौका, ये 8 मरतबे, फिर ये 10 हो गया, ये हो गया 10 8 80। फिर हम दूसरा ले रहे हैं, ये हो जाएगा 3/2.25 × 90, फिर ये 0 हट जाएगा, ये 9 मरतबे कट रहा है 25 से, 4 मरतबे में 100 होता है तो 4 × 12 हो गया और ये फिर ये 10 हो गया और ये मेरा 120 हो गया। फिर हम ले रहे हैं 5 को, तो 5/2.25 अब गुणा फिर 90, इसको हटा देंगे 00 और फिर ये 9 मरतबे कट गया और ये कट जाएगा 4 × 5 = 20, ये कट गया 10, ये हो गया 200। तो जिस ढंग से ये प्रॉब्लम था उसी ढंग से ये भी सॉल्व होगा, अंतर यही है इसमें रुपया में था तो हम डायरेक्ट गुना कर दिए और इसमें पैसा में है तो पैसा को हम पहले रुपया में चेंज कर लिए और तब उसके बाद इसको हम गुना किए। अब तीसरे नंबर के प्रश्न को हल कर रहे हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है, 1 थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, सबको हम क्या करेंगे पैसा में कन्वर्ट करेंगे 1 रुपया के टर्म में, ये 1 रुपया 1 रुपया ही हो गया 50 पैसा, 2 सिक्का होगा तब मेरा 1 रुपया होगा और ये 4 सिक्का जब होगा तभी मेरा 1 रुपया होगा। ये सभी हमको सिक्के में कन्वर्ट हो गया 1 रुपया के टर्म में। फिर अब हम अनुपात लेंगे, अनुपात है 5/4
अनुपात एक, फिर इसको हम गुणा कर देंगे, ये हो गया पाँच, ये हो गया आठ, ये हो गया चार, फिर इसको हम जोड़ देंगे, ये हो गया पाँच चार नौ, आठ आठ सोलह एक सत्रह। इसमें ध्यान यही देना है कि इसमें हम इस अनुपात को लिए थे, लेकिन इसमें हम इस अनुपात को लेंगे, अंतर यही है। फिर अब ये हुआ एक रुपये, एक रुपया के लिए पाँच हो जाएगा, तो ये हुआ पाँच बटे सत्रह गुणा तीन सौ चालीस, सत्रह दुना चौंतीस, पाँच दुना दस एक सौ। फिर दूसरा हो जाएगा आठ बटे सत्रह गुणा तीन सौ चालीस, सत्रह दुना चौंतीस, आठ दुना सोलह एक सौ साठ। तीसरा हो जाएगा चार बटे सत्रह गुणा तीन सौ चालीस, सत्रह दुना चौंतीस और ये चार दुना आठ। सिक्कों की संख्या जोड़ लेते हैं जीरो, आठ दुना चौदह की चार, एक एक दो एक तीन, तीन सौ चालीस। तो इस ढंग से हम सिक्के पर आधारित जो भी प्रश्न है, बस यही दो टाइप के प्रश्नों के द्वारा हम हल कर लेते हैं। है ए बी और सी के पास कुल कितना है, एक हजार सात सौ इकहत्तर रुपया है। ए और बी के बीच पैसे का अनुपात पाँच अनुपात सात है। यदि सी के पास इतना रुपया है, ए और बी के शेयर की गणना करें। देखिए अनुपात का जो भी प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न बनेगा। कहा ए बी सी के पास कुल ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर सत्रह सौ इकहत्तर रुपया। अब कह रहा है ए और बी का अनुपात इतना है, तो ए और बी को हम छोड़ देते हैं, और सी को कितना है पाँच सौ इकहत्तर रुपया बराबर सत्रह सौ इकहत्तर। ये हो जाएगा ए जोड़ बी बराबर सत्रह सौ इकहत्तर माइनस पाँच सौ इकहत्तर, या ए जोड़ बी इक्वल टू कितना निकल गया इकहत्तर है, जीरो जीरो बारह। और ये अनुपात हमको क्या कर रहा है, पांच अनुपात सात इक्वल टू बारह, यानी ए मेरा क्या हो गया पांच और बी क्या हो गया सात। ए का भाग क्या होगा, ए का भाग बराबर पांच बटे बारह और गुना बारह सौ, पाँच सौ रुपया। फिर मेरा बी का भाग हो जाएगा, बी का भाग है सात बटे बारह गुना बारह सौ, ये एक सौ कट गया, ये सात सौ रुपया। कितना आसान प्रॉब्लम है। फिर अगले प्रश्न को हम देखते हैं, कह रहा है जीवन की कुल आमदनी का खर्च एवं बचत का अनुपात। इसको कुल जितना आमदनी है उसका खर्च और बचत का अनुपात दो अनुपात एक है। अब यदि जीवन की आमदनी छः सौ रुपया है, तो बताइए वो महीना में कुल कितना रुपया बचा लेता है। पर इसको अनुपात को हम जोड़ देंगे, दो अनुपात एक बराबर तीन। ये दो मेरा किसको दिखा रहा है, दो हमको दिखा रहा है इसका खर्च को, और ये एक हमको दिखा रहा है इसके बचत को। निकालने के लिए क्या कर रहा है हमको, बताए वो महीना में कितना रुपया बचा लेता है, बचत बचत मेरा एक है, एक बटे तीन और कुल छह सौ है, दो सौ रुपया। बस इस टाइप के हम कई प्रश्नों को हल कर सकते हैं।